बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 में एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम में हमारा टॉपिक चल रहा है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन हम लर्न कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 6.3 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 16। ओके, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। ओके, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन हम किसी नंबर को जो लार्ज नंबर नंबर हैविंग जीरो लार्ज नंबर ऑफ जीरो तो उनको हम किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, हमने वो लर्न किया। अब हमने क्या करना है कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्वेश्चन गिवन है और हमने उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड नोटेशन लिखनी है। आप देखिए 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10^8 क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड नोटेशन। 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10^8 कितनी है 8। अच्छा जी, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 10 यानी कि 1 के साथ 8 ज़ीरो लगा दिए, 3 6 7 8। ठीक है, आप यूनिट 10 100 1000 10000 तो ये आपके पास 10 मिलियन कुछ नंबर, ठीक है, इतना आ गया आपके पास। आप इसको यूनिट प्लेसेस मेंशन करके आप इस नंबर को देख भी सकते हैं। अब ये जो 2.56 है इसको हमने क्या करना है, सिंपल नंबर लिखना है, तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। ठीक है, डेसिमल से हमने इसको कॉमन फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट ख़त्म हो गया, नीचे 1 लगा के कितने नंबर्स हैं 2, तो 0 आ गया। अब ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड 256 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 लाख के साथ। ठीक है, 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 256 और जितने डिजिट्स आपके पास ज़ीरोज़ हैं आपने वो ज़ीरोज़ लगा लिए और 256 इसके साथ लगा लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी सिंपल नोटेशन आ गई आपके पास। ठीक हो गया, ये देखें एक लार्ज नंबर है, इसको आप रीड तो कर सकते हैं, किस तरीके से रीड कर सकते हैं, बाय पुटिंग प्लेस वैल्यूज। ठीक है, आप इस पर प्लेस वैल्यूज पुट कर लें, देखें फर्स्ट यूनिट फिर 10 फिर 1000 फिर 100 यूनिट 10 100 1000 10000 1 lakh 10 lakh 10 लाख आ गया, फिर 1 million 10 million। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नंबर प्लेसेस लगा के आप इसको रीड कर सकते हैं, तो ये आपके पास 10 मिलियन में यानी कि 256 मिलियन आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने स्टैंडर्ड नोटेशन लिखनी है, इसकी रीड करने का इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, आप देखिए 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10^6 ठीक है, 1.09 मल्टीप्लाई हो रहा है 10^6 तो 10^6 मतलब आपके पास ये क्या है, आपके पास कितने ज़ीरोज़ हैं 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने लगा दिए 6 ज़ीरोज़। 10^6 का मतलब है कि हमारे पास ये आपके पास ज़ीरोज़ हैं 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ आ गए। अब 1.09 तो 1.09 को हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 109/100 आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया तो 109 मल्टीप्लाई बाय 10000 तो आपने जब 10000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये नंबर आ गया 109000। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं, आपके पास ये क्या आ जाएगा, टेन लैख 90,000। ठीक है, ये आपके पास आ गया 10,90,000 सिंपल नंबर, आपने इसको लिख लिया साइंटिफिक नोटेशन से, आपने सिंपल फॉर्म में इसको लिख लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब आपके पास माइनस में है 3.65। अब माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने किया हुआ है, अभी एक्सपोनेंट में आपने तमाम एक्सपोनेंट के रूल लर्न किए थे कि 10^-4 तो आपने इसको लिख लिया 1/10^4। ठीक है, 1/10^4 लिख लिया आपने, यानी कि 10,000 आपके पास ये आ गया। अब 3.65 के आपने कॉमन फ्रैक्शन में लिखा 365/100 मल्टीप्लाई बाय 1/10,000
हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो आपके पास ये आ गया। अब अच्छा जी डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड इस मीन के इसके जो जीरोस हैं वो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे लगेंगे, ठीक है। पॉइंट जो है लेफ्ट साइड से मूव होगा। तो आप देखें यहाँ पे कितने हैं, कितने जीरोस हैं, 3 6 जीरोस हैं, यानी कि हमने 6 यहाँ पे हमने 6 पॉइंट डिजिट्स के बाद जीरो लगा पॉइंट लगाना है। तो हमने क्या है काउंट, हमने यहाँ पे इस नंबर को भी कंप्लीट करना है, अगर वो कम है तो हम ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 डिजिट्स हैं, हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो हमने क्या है हमने 4 डिजिट्स और लगा लिए, 3 6, ठीक है। 7 आपके पास है, ये 7 1, ठीक है, 7 पे 1 10 लाख पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सिंपल डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 0.000365 आ जाएगा, या सिंपल आप इसका मूव देख लें। देखिए हमारे पास हमने लगा दिए कितने जीरोस हमें चाहिए, हमें चाहिए 4 3 नंबर्स हैं, हमें 3 और नंबर चाहिए क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो 6 डिजिट्स के बाद आता है, ठीक है ना। तो हमने 365 के अब डिवाइड हो रहे तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे भी जीरोस लगाने, 3 जीरोस लगा लिए, तो हमने 3 जीरोस लगा लिए, तो 365 0, अब 0000365 आ गया। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, 3 डिजिट्स के बाद आपके पास पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉइंट आपके पास आ जाता है। या आप सिंपल 7, आप 7 टोटल 7 कर लें, ठीक है, 1 को भी काउंट कर लें, आप 7 डिजिट्स आपने इसको बना, ये 365 को आपने 7 डिजिट्स करना है क्योंकि पॉइंट आपने कितने डिजिट्स के बाद लगाना है, 6 डिजिट्स के बाद लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको 7 डिजिट्स बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा ज़ीरो पुट कर लिए, 4 एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा लिए और काउंट करके हमने कितना पॉइंट, 6 पॉइंट्स के बाद हमने ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। या आप सिंपल, आपको पता है कि हम किस तरीके से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने पॉइंट मूव किया ना, मूव पॉइंट ख़त्म किया, एक पॉइंट ख़त्म किया, 1 कितने डिजिट्स है, 2 ज़ीरोस लगा दिए थे। और अगर हम इसको दोबारा से कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कर लेंगे कि 2 ज़ीरोस हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। अब 10^-7 सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, 1/10^7, 7 डिजिट्स हमने 7 ज़ीरोस लगा दिए, 3 6 7। अब आपको पता है डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि अब 1 से हमें ऊपर कितने डिजिट्स चाहिए, 7 डिजिट्स चाहिए, तो 1 इंक्लूडेड 1। तो हमने क्या किया, हम देखे पॉइंट कैसे रिमूव करते हैं, आप देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास 1.000 होता है तो आप यहां से पॉइंट को हटा देते हैं, 1 के साइड में पॉइंट हटा देते हैं और उसकी जगह 1 लगा देते हैं, बाकी 0 लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अब आपने पॉइंट वन, ठीक है। अब आपने यहाँ से अगर पॉइंट हटाया है, ये आपके पास आ गया, अब हमने क्या करना है कि इसको पॉइंट में लिखना है ना, सिंपल नोटेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन। तो अब हमने 1 डिवाइडेड बाय जो ये नंबर था, अब हमने यहाँ पे इस 1 को बनाना है, कितने डिजिट्स हमारे पास पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 3 6 7 डिजिट्स के बाद। तो 1 2 हमने इस 1 को 7 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम पॉइंट लगा सकें। तो हमने उतने ज़ीरोस लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से 0.000001 आ गया, ठीक है। जितने आपके पास यहाँ पे ज़ीरोस हैं आपने उस नंबर के साथ उतने ज़ीरोस पुट कर लेने हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और फिर आपने पॉइंट लगा, पॉइंट को आपने कैसे मूव करना है, पॉइंट भी आपने काउंट कर लेने हैं, ज़ीरोस जितने ज़ीरोस हैं उतने नंबर्स के बाद आपने काउंट कर लेने हैं और पॉइंट लगा लेने। ये सिंपल इसकी नोटेशन आपने बस याद रखनी है। अब देखिए 8.6.89 मल्टीप्लाई बाई 10^2 यानी कि 100। अब इसका पॉइंट ख़त्म किया हमने, 0 0 कैंसिल, 689 आ गया, सिंपल फॉर्म आ गई आपके पास। अब 16 क्या कहते हैं, 4.73 मल्टीप्लाई बाई 10^0। आपको मैंने बताया था एनी नंबर हु हैव 0 पावर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपके पास 4.73
सिंपल वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.73 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीरोस नहीं है मौजूद, यानी कि बस ये एक सिंपल इसका यही फॉर्म है 4.73। तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया, आपने कर लिया इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लिया। आपने याद रखना है कि जब आपके पास मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव आ रही है तो आपने मल्टीप्लाई करके जीरोस एक्स्ट्रा जीरोस आपके पास राइट साइड पे रख जाएंगे। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर आपके जो जीरोस हैं वो लेफ्ट साइड पे लगेंगे। आपने वो जो नंबरिंग करनी है वो लेफ्ट साइड पे कंप्लीट करनी है। ये दो डिफरेंस आपने इसमें याद रखने हैं। लास्ट में स्टूडेंट काइंडली कंप्लीट योर नोटबुक एंड सेंड इट टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।